देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार पांचवें दिन कोरोना ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पिछले 24 घंटे में फिर 109 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार क्यों हुई सख्त और कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कहीं कश्ती डूब ना जाए किनारे पर आकर। कोरोना से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पिछले 24 घंटों की चार बड़ी खबरें आपके सामने। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। मुंबई में कोरोना प्रभावित राज्यों से आने पर कोरोना टेस्ट जरूरी किया गया है। जयपुर में कर्फ्यू में सख्ती की बात कही गई है। वहीं भोपाल में वैक्सीन स्टोर्स बनाने की तैयारी है। ये चार अहम खबरें चार तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और इस बीच कोरोना को लेकर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। आज से महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार की और ज्यादा सख्ती नजर आएगी। कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था कराई गई है। राजस्थान, गुजरात, गोवा और दिल्ली एनसीआर से आने वालों के लिए यह टेस्ट जरूरी होगा। तो आज से महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्ती से फॉलो कराया जाएगा और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेस्ट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मानव यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी, पहले आपके पास आऊंगा। ये जो व्यवस्था बनाई गई है आज से अलग अलग राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, जांच कराई जाएगी एयरपोर्ट पर ही, रेलवे स्टेशन पर ही, ये अमल में आता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए समीर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से सख्ती करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि 25 नवंबर यानी आज के दिन से दिल्ली एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से जो भी यात्री महाराष्ट्र में दाखिल होंगे उनको RT-PCR टेस्ट जो है उसकी निगेटिव रिपोर्ट की कॉपी अपने साथ रखनी होगी, तभी वो इस राज्य में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री जाता है और अगर उसके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट कॉपी नहीं है तो ये कहा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि वो एयरपोर्ट पर ही टेस्ट की सुविधा कराए। ऐसी ही स्थिति रेलवे स्टेशन पर भी है और वहाँ पर अगर यात्री जो है वो 96 आवर्स ये समय दिया गया है उसके पहले का टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और तुरंत रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन टेस्ट करके और फिर उनको जाने की अनुमति होगी। रोडवेज की अगर हम बात करें तो जो बॉर्डर लाइंस के एरिया है एक राज्य से दूसरे राज्य, वहां पर भी सभी जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और वहां पर भी एंटीजन की व्यवस्था की गई है। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो सजग हो गई है। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो कि कोरोना के स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब पर काम करेगी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।